हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं। कितनी रहमतें? 100 रहमतें जिन्नों, इंसानों, जानवरों, हशरातुल अर्द, जानवरों के अंदर भी आप देखो, जानवरों में भी आप अक्सर ऐसी मूवीज देखते होंगे, वो क्लिप्स देखते होंगे कि एक भेड़ का बच्चा या एक गाय का बच्चा, उसके ऊपर शेर ने हमला कर दिया, माँ ने अपने आप को शेर के आगे कर दिया, बच्चे को बचा लिया। ऐसा है ना, कई आप देखते होंगे। अच्छा, वो जो माँ के दिल में जो रहम डाला जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर, जिन्नों के अंदर, अल्लाह की 100 रहमतें, ये सारी मखलूक के अंदर जो है, ये जो रहमत आपको उनके वजूद में नजर आती है, आपका बाप आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, आपकी मां आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, मगर ये सारी रहमतें जितनी भी हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर जिन्नों, इंसानों, जानवरों और हशरातुल अर्ज के अंदर तकसीम की गई, अल्लाह की सिर्फ एक रहमत है, जिसकी वजह से आपकी मां आपके ऊपर शफकत कर रही है, आपका बाप आपसे मोहब्बत कर रहा है। अच्छा, हजूर ने आगे फरमाया, वो एक दूसरे पर शफकत और रहम करते हैं, उस रहमत की वजह से वैसी जानवर अपने बच्चों पर रहम करते हैं, मगर जो ये सारी जो रहमत है, ये एक रहमत है, एक रहमत, 99 रहमतें जो उनसी हैं, 99 रहमतें अल्लाह ने अभी रख छोड़ी हैं, 99 रहमतें, एक रहमत पूरी दुनिया में तकसीम की है उसने। पर देख लो मोहब्बत का आलम, दोस्त दोस्त से मोहब्बत, उनके साथ कयामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाए।